दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। विप्रो लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को यहां पर लॉटरी लगने वाली है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी न्यूज़ आज 31 मई 2021 के दिन निकल कर आई है जिससे विप्रो लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यदि आपने विप्रो लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये न्यूज़ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। उस न्यूज़ को जानने के पहले विप्रो लिमिटेड के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करना चाहेंगे। विप्रो लिमिटेड के अंदर आज आपको लगभग 0.17% की तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ आज इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 538.70 रुपये पर ओपन हुआ। 531.05 रुपये का इसने अपना लो बनाया और 540.55 रुपये का इसने अपना हाई बनाया। साथ ही साथ अगर हम विप्रो लिमिटेड के 52 वीक के हाई की बात करें तो रिसेंटली लास्ट सेकेंड ट्रेडिंग सेशन के दौरान ही आपको यानी कि 27 मई 2021 को नया 52 वीक का हाई देखने को मिला जो कि 545 रुपये का था। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा यह शेयर, आपको और बड़े टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इस न्यूज़ के बाद जो यहाँ पर निकल कर आई है उसके बाद आपको कंपनी के अंदर करोड़ों का इनफ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है जिससे डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विप्रो लिमिटेड के आज एनएसई के अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है अगर उसकी तरफ नज़र मारें तो एनएसई में आज विप्रो लिमिटेड की 53,86,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिसके सामने 14,19,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलीवरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज लगभग 27% के करीबन का यहां पर देखने को मिल रहा है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि विप्रो लिमिटेड ने अप्रैल मंथ में ही अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए थे। रिजल्ट काफी अच्छे रहे थे और डेफिनेटली ये एक ऐसा शेयर है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर एड करके रख सकते हैं क्योंकि अगर हम यहां पर विप्रो लिमिटेड के अगर बैकग्राउंड को भी चेक करते हैं तो पिछले 3 साल के अंदर भी इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी निराश नहीं किया है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी की टोटल इनकम की तरफ नजर मारें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के अंदर 13,26,000 की यहां पर नेट क्वार्टर की टोटल इनकम डिक्लेयर करी है जो कि क्वार्टर 3 के कंपेयर में कहीं गुना ज्यादा है। साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात करें यानी कि पीबीटी की तो पीबीटी भी कंपनी ने काफी अच्छा डिक्लेयर किया है और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी आपको काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। कंपनी ने जनवरी के मंथ में ही 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था। हालांकि क्वार्टर फोर के रिजल्ट में कंपनी ने कोई फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन आज जो न्यूज़ निकल कर आई है जिससे यहां पर उम्मीदें लगाई जा सकती है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट में आपको कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी देखने को मिल सकता है। चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने उस न्यूज़ को आपके सामने ओपन कर रखा है। विप्रो सेल्स इट्स एंटायर स्टेक इन आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर एनसोनो फॉर 76.24 मिलियन US डॉलर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विप्रो का जितना भी स्टेक इस आईटी सर्विस कंपनी के अंदर था जिसका नाम एनसोनो था उसे कंप्लीटली यहाँ पर विप्रो ने सेल कर दिया है। रिसेंटली आज ही की ये न्यूज़ है। मैं आपको यहाँ पर डेट भी दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 31st of May 2021 रिसेंटली आज ही की ये न्यूज़ निकल कर आई है जिसमें आप देख सकते हैं विप्रो लिमिटेड हैज सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक्स इन आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर एनसोनो फॉर 76.24 मिलियन US डॉलर एज अ पार्ट ऑफ द इलिनियस बेस्ट कंपनी एक्विजिशन बाय प्राइवेट इक्विटी जियांट KKR विच वॉज अनाउंस्ड इन अप्रैल। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें इस कंपनी के बारे में, एनसोनो के बारे में, जिसे KKR ने यहाँ पर एक्विजिशन कर रखा है, अप्रैल मंथ में ये एक्विजिशन हुआ था। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है वो है इसके 76.24 US मिलियन डॉलर की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको 550 करोड़ रुपये का इनफ्लो अब विप्रो लिमिटेड के अंदर आते हुए देखने को मिलने वाला है। इन मार्च 2018 विप्रो हैड मेड अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ 55 मिलियन US डॉलर फॉर 10.2% स्टेक इन एनसोनो होल्डिंग्स LIC द पेरेंट कंपनी ऑफ एनसोनो आफ्टर द कंपनी एक्वायर्ड इट्स होस्टेड डाटा सेंटर बिजनेस फॉर 405 मिलियन US डॉलर। उसके बाद में कंपनी की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है कि विप्रो ने 2018 के अंदर इस कंपनी के अंदर यानी कि एनसोनो के अंदर
अंदर स्टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी आप देख सकते हैं 55 मिलियन US डॉलर की थी, जो कि अब इस टाइम पर यानी कि करंट शेयर प्राइस से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 76 मिलियन US डॉलर पर पहुँच गई है। विप्रो की तरफ से उनके एक स्टेटमेंट में यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दी गई है कि विप्रो डज नॉट होल्ड एनी स्टेक इन इंसोनो होल्डिंग्स, यानी कि अब विप्रो का किसी प्रकार का कोई स्टेक नहीं है इंसोनो होल्डिंग्स के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं इससे शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा कि आपको बताया कि रिसेंटली ये न्यूज़ निकल कर आई है जिसमें विप्रो ने 76.24 मिलियन US डॉलर का स्टेक यहाँ पर सेल करा है, जिससे कंपनी के अंदर लगभग 550 करोड़ रुपये का इन्फ्लो आएगा और इस इन्फ्लो से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि 2021-22 के क्वार्टर वन के रिजल्ट में अब यहां पर उम्मीदें लगाई जा रही है कि डिविडेंड, एक हेल्दी डिविडेंड भी यहां पर डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि अगर आप यहां पर कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, साथ ही साथ डिविडेंड परसेंटेज भी काफी अच्छा यहां से विप्रो का निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो यहाँ पर नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको विप्रो लिमिटेड के बारे में नहीं पता है उन्हें बता देना चाहता हूँ कि विप्रो लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 2,95,358 करोड़ रुपये का है। इसी के साथ विप्रो लिमिटेड ने पिछले एक महीने के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 10% के रिटर्न बनाकर दिए हैं, और अगर हम इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो वो ऑलरेडी मैं आपके साथ वीडियो के स्टार्टिंग में ही शेयर कर चुका हूं कि विप्रो लिमिटेड अपने 52 वीक के हाई से सिर्फ 1% नीचे यहां पर ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण अब आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो विप्रो लिमिटेड के अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अभी भी यहां से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप करंट शेयर प्राइस से भी इसके अंदर एक फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स आपको 1,000 रुपये के अप्रोक्स देखने को मिल सकता है। विप्रो लिमिटेड के एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा लाइन लाइट में रहती है वो है इनकी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विप्रो लिमिटेड के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की तरफ भी नज़र मारेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा डिक्रीज करा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को इंक्रीज करा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज करा है, और साथ ही साथ अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर कह सकते हैं हम कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि ये फ्यूचर का मल्टीबैगर शेयर्स भी कहना इसे गलत नहीं होगा। बात कर रहा था मैं विप्रो लिमिटेड के कुछ रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक साल के अंदर तो शेयर्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए ही हैं, लेकिन पिछले 3 साल का भी अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पिछले 3 साल में भी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 174%, जी हाँ दोस्तों 174% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने रिसेंटली जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर करा है उसमें अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की तरफ नज़र मारेंगे तो कंपनी ने 16,245 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा है ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं विप्रो लिमिटेड के कुछ लेवल्स के बारे में, यानी कि कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में, जिनको आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान यूज़ में आप ले सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस जो इसका यहाँ से निकल कर आ रहा है वो है 541.78 रुपये का, दूसरा रेजिस्टेंस 546.87 रुपये का, और तीसरा रेजिस्टेंस अगर कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपको अचीव होते हुए देखने को मिलता है तो आपको यहाँ से नया 52 वीक का हाई भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में जिन सपोर्ट लेवल को आपको लेकर चलना है, पहला सपोर्ट आपको 534 रुपये का लेकर चलना है, दूसरा सपोर्ट आपको 529 रुपये का, और तीसरा सपोर्ट आपको 526 रुपये का लेकर चलना है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, यदि आप एक ट्रेडर हैं तभी आप इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को फॉलो करें, यदि आप एक इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर का मल्टीबैगर ये शेयर्स आपको आने वाले टाइम में 1,000 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे इस चैनल से कंटिन्यूसली प्रोवाइड करी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।